ओके जी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 4, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। प्रीवियस जो 3.5 चैप्टर्स हमने डिस्कस किए, उसमें हम लोगों ने चंगेज जो करेक्टर है हमारे नावल का, उसके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस के जरिए हमने ऑब्जर्व किया कि वो कैसे अपनी स्टोरी को नरेट कर रहा है, अपनी जिंदगी के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो उसने हमारे साथ शेयर कर रहा है, या वो कौन सी चीजें हैं जो वो हमें मतलब बता रहा था, या उसकी लाइफ बैक टू अमेरिका जो थी वो किस तरह से। अब हम फर्दर जो है वो कैरी करेंगे उस सिलसिले को, और खास तौर पर उसकी जो ग्रोइंग इंटीमेसी थी न्यू यू कैन से गर्ल एरिका के साथ, और हमने एरिका की पर्सनालिटी भी देखी कि दैट शी इज वेरी करिश्मेटिक और आर्टिस्ट है। प्रीवियस सेशन के अंदर जहां पे हमने छोड़ा था कि ये दोनों जो है वो एक जाते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क सिटी में एक आर्ट गैलरी में, और वहां पर चंगेज जो है वो देखता है कि न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो मिनिमलिस्ट स्टाइल जो है वो ट्रेंड कर रहा है। सो एरिका वहां पर भी चूंकि क्रिस्मेटिक है, वहां पर भी लोगों के लोग उसको घेरे रखते हैं। तो उसी शाम जो है जब ये वापस लौट रहे होते हैं, द फर्स्ट टाइम शी किसेस चंगेज एंड शी कैन थैंक हिम, क्योंकि ये उस तरह से बोल्ड नहीं था, उस तरह से उसका फायदा नहीं उठाना चाहता था, और जिस तरह के ये ट्रेडिशनल कपड़े और जिस तरह से एक तो आगे बंदे को बनना चाहिए एक बोल्ड किरदार जैसे कि अमेरिकन मर्द अदा करते हैं, ये वैसा नहीं था, समस्या था, लेकिन पूरी तरह से मतलब उसको एंटीसिपेट कर रहा। चंगेज इस रवैये पर पजल भी हो जाता है क्योंकि इसके वाले से वो सोचता था कि उसे जो है वो थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उसने उसके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन दोन हार्डली मतलब जो है वो बोले एक दूसरे के साथ, लेकिन जो एरिका है वो जाते हुए उसको जो है वो फाइनली एक गुड बाय किस दे रही है, मतलब जो है वो गुड नाइट किस जो है वो दे रही है। जी चंगेज अकंपनीज एरिका टू पार्टीज, रेस्टोरेंट्स एंड गैलरीज, बट ऑलवेज विद अदर फ्रेंड्स। He notices that she seems most thoughtful when she is surrounded by others and compares her. ये बात भी देखी थी कि वो वहाँ पर रहकर भी, ये वहाँ पर रहकर भी जो है वो नहीं नजर आती उन लोगों के दरमियान। ये प्रीवियस सेशन में बात कर रहा था मैं आप लोगों के साथ, और others and compares her to a child who can only sleep with the lights on. और वो उसको एक ऐसे बच्चे के साथ मतलब जो है वो कंपेयर करता है जो रात को लाइट ऑफ नहीं होने देता, क्योंकि लाइट ऑफ होने से उसको जो है वो अंधेरा होने से उसको डर लगता है। ये असल में वो तन्हाई नहीं फील कर सकती, तन्हा नहीं रह सकती, तन्हा ना रहने की जो सबसे बड़ी वजह हमें नजर आती है वो क्रिस है, जिसके साथ ये मोहब्बत करती थी और वो मर चुका था। सो व्हाइल दे डोंट टॉक टू ईच अदर वेरी ऑफन, चंगेज थिंक्स दैट He's developing a personal relationship with Erica. At the end of every night, she kisses him on the cheek. Each time Chingiz thinks, she holds the kiss for a fraction of a second longer. Uski jo aaj wali kiss thi, wo pehle wali ya pichli kiss se kuch zyada lambi thi. Yani ke emotional attachment jo intimacy hai wo grow kar. To Chingiz jo hai wo zyada closer feel karta hai Erica ke saath. और चंगेज की ये इमेजिनेशन में ये था कि
that she is growing more attachment with her. तो यहाँ पर चिंगेज जो है वो जहाँ उसकी loneliness को जानता है वहां पर वो एक अच्छे दोस्त होने का उसके लिए किरदार भी निभा रहा है. सो यहाँ जो है वो एक अहम तीन डेवलपमेंट जो है वो शेयर करने जा रहा है कि किस तरह से उसी वीकेंड पर एक वीकेंड आता है कि जिसमें चंगेज जो है वो फिलिपाइंस में एक अंडरवुड सैमसन का प्रोजेक्ट है जो म्यूजिक बिजनेस का है वो मतलब उसको देखने के लिए उसको एवेलुएट करने के लिए जाता है और एरिका इनवाइट्स हिम ऑन अ पिकनिक. He is pleased to find that they are alone. कि वो मतलब alone थे. Erica tells him that she and Chris used to go on picnics. यानी कि अभी भी बात Chris की हो रही है. Chris यानी कि यहाँ पे Erica की जो melancholy और loneliness है, ये पूरी तरह से जो है वो हमें vibrant नजर आती है. Chris की जो death है, उसने basically उसको एक तरह से depression में धकेल दिया है. और ये डिप्रेशन जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. और एरिका उसको कहती है कि वो दोनों क्रिसमस पे सॉरी पिकनिक पे जाया करते थे लेकिन जो ही वो मर गया उसने पिकनिक करनी बंद कर दी, कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, उस तरह से ईट करना बंद कर दिया एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल. और उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा. हॉस्पिटल बुनियादी तौर पर यूसी मेंटल लॉस की तरफ इशारा है कि जिसका सामना उसको करना पड़ा एट द एंड ऑफ द डेथ ऑफ क्रिस. और फिर आगे हर पेरेंट्स इनकरेज हर टू फॉरगेट अबाउट क्रिस एंड टेक मेडिकेशन सिंस द समर टुक अप मोस्ट ऑफ हर हॉस्पिटल टाइम. के गर्मियों में उसका ज्यादा वक्त जो था वो हॉस्पिटल में गुजर चुका था. तो चंगेज जो है वो सॉरी है एरिका की इस हालत के ऊपर कि किस तरह से मतलब जो है वो कितना ज्यादा उसको बियर करना पड़ा. बहरहाल हॉस्पिटल से रिकवर होने के बाद वो वापस प्रिंसटन को ज्वाइन करती है फॉल सेमेस्टर में और अपने सीनियर ईयर्स को कंप्लीट करती है. चंगेज की इस मतलब हालत पर कि जैसे वो भी उसकी फैमिली का हिस्सा है. अमेज्ड दैट समवन सो फिजिकली स्ट्रांग एंड हेल्दी कैन बी सो डीपली अनहैप्पी. जो इतना ज्यादा ऊपर से फिजिकली स्ट्रांग हो, हेल्दी हो, लेकिन अंदर से इतना ज्यादा ना खुश कैसे रह सकते हैं. ही पुट्स हिज आर्म अराउंड हर. A gesture he thinks about often during his weeks to come in the Philippines. एक gesture था जो वो सोचता था कि वो उसको दे के जाएगा या वो देगा जब वो Philippines में आ चुका होगा. Exactly वो gesture जो है वो उसको देता है. That's the you can say close gesture. तो Erica के parents जो हैं वो बहरहाल effort करते हैं. लेकिन इसी तरह से हम लोग देखें कि एरिका जो है वो पूरी तरह से मतलब जो है वो माहिर नजर आ रही है कि वो अपनी फीलिंग को छुपा लेती है. जब वो प्रिंसटन में थी वो अपनी हॉस्पिटलाइजेशन को कंट्रोल करती है चूंकि हॉस्पिटलाइजेशन में उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी मिले ताकि उसके डिप्रेशन में से बाहर निकल सके. चंगेज जो है वो फील करता है कि दो विद एरिका टू टच हर इट्स द सेम जेस्चर दैट माइक यूज्ड टू फ्लर्ट विद एरिका इन ग्रीस. तो ये ऐसा ही है कि जैसे माइक उसके साथ मतलब फ्लर्ट करने की कोशिश है. एक्सेप्ट दैट चंगेज सीम्स टू हैव अर्न द राइट टू यूज इट. उसके साथ उसका हक नहीं था मतलब वो फ्लर्ट कर रहा था जबकि ये फ्लर्ट नहीं कर रहा था. नो डाउट ये उसको ऐसा लगता तो था लेकिन उसने ये अपना भरोसा जो है वो जीता था. जी व्हाइल चंगेज इज टेलिंग द स्ट्रेंजर अबाउट एरिका द लाइट्स सडनली गो आउट इन द कैफे. अब ये स्ट्रेंजर है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अंधेरा हो जाता है और ये सीन जो है वो 2003-4-5 का है कि जब पाकिस्तान के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग मौजूद रही और उसके बाद आने वाले सालों के अंदर लोड शेडिंग जो है वो मौजूद है. द स्ट्रेंजर जंप्स टू द फीच फौरन उछल जाता है कि शायद कोई हमला ना हो जाए. पर चंगेज असिस्टेंट का की काम हिमसेल्फ ब्लैक्स आउट आर कॉमन इन पाकिस्तान. ये अब ये सारी सिचुएशन स्टोरी टूटते मतलब स्टोरी सुनाई जा रही थी तो उसी दौरान जो है वो लाइट चली जाती है. इट्स कंप्लीट आउटेजेस के मुसल्स मुकम्मल तौर पर अंधेरा जो है वो हो जाता है. चंगेज सेज दैट वो देख सकता है स्ट्रेंजर को कि वो अपनी जैकेट पे उसका हाथ मतलब जब वो लेके जा रहा है एंड टेल्स हिम दैट देयर इज नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ पिकपॉकेटर्स स्टीलिंग हिज वॉलेट. कि तुम्हारा कोई भी मतलब वॉलेट नहीं निकालेगा. व्हेन द स्ट्रेंजर रिमेन्स स्टैंडिंग चंगेज स्टैंड्स एज वेल. तो ये ब्लैकआउट से पहले स्ट्रेंजर जो है वो रिलैक्स था. अब तो उसकी स्टोरी में इंटरेस्ट ले रहा था लेकिन जो ही
मतलब जो है वो डार्कनेस होती है, लाइट चली जाती है, तो वो एंशियस हो जाता है, अपना हाथ वो जैकेट में लेके जाता है ताकि वो मतलब अपनी उस चीज को छुपा सके, या शायद वो गन तक मतलब जब वो क्लोज कर सके कि उस पर हमला हो तो वो गन हो, लेकिन वो उसको श्योर करता है कि तुम्हें अपने वॉलेट की परेशानी नहीं होनी चाहिए अभी, मतलब जब वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। चंगेज और स्ट्रेंजर जो है वो नहीं बैठते मतलब जो है, और लाइक दे स्टिल रिगार्ड ईच अदर एज एडवर्सरीज, वो अपने आप को आज भी मतलब जो है वो दूसरे का एडवर्सरी समझते हैं। जी The lights return and suddenly as they are disappeared, Chinggis scolds the stranger for jumping up so quickly as if they were a mouse by about to eaten by a hawk. जैसे वो एक चूहे हॉक और एक हॉक ने उन पर हमला कर दिया, तो वो उसको मतलब थोड़ा सा इस बात के ऊपर मतलब डांटता भी है कि तुम ये क्या हरकत की है। He offers the stranger a Jack Daniels to soothe his nerve. बट देन आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट जैक डेनियल मतलब वो कहता है कि मैं तुम्हें शराब देता हूँ तो सूट इज नर्व्स, बट देन आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट द स्ट्रेंजर इज स्माइलिंग ही रिवील्स दैट इन फैक्ट द ओनली अमेरिकन ड्रिंक्स इन द कैफे आर सोडास, के द कैफे के अंदर सिर्फ सोडा मौजूद है। चिंगेज़ समन्स द वेटर। जी तो यहाँ ये जो हमारे सामने अभी फिर से सूरत हाल दिखाई दे रही है, ये मोर और लेस इस चीज की तरफ इशारा है कि किस तरह से इन दोनों के दरमियान एक तरह से फीलिंग्स जो है वो डेवलप होती है। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है टू ऑल, वेदर ही वाज प्लानिंग टू एम्बुश द स्ट्रेंजर ड्यूरिंग द ब्लैकआउट और नॉट, व्हेन ही ऑफर्ड द स्ट्रेंजर व्हिस्की देन रिवोक्स द ऑफर, क्योंकि वहां पर मतलब जो है ये सीन बोथ पोलाइट एंड अग्रेसिव, अ कॉम्बिनेशन दैट इज फार मोर सिनिस्टर देन अग्रेशन बाय इटसेल्फ। ये मतलब दोनों चीजें उसमें मौजूद थी, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन भी थे और उस वक्त दोस्त भी बने हुए थे। दुश्मन इस वजह से क्योंकि वो शायद इसके लिए आया था, और दोस्त इस वजह से थे कि इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह हमें नजर आ रही थी वो यही थी कि चंगेज की जो ऑफर थी वो उसको मतलब काम करने की, पीस कलर सूट करने की हमें नजर आ रही थी। तो मोर और लेस जो डेवलपमेंट फोर्थ चैप्टर की है, इससे कहानी जो है वो हमें आगे बढ़ती हुई मतलब जो है वो दिखाई देती है। अभी भी मतलब जो है वो जितना सीन हमने देखा या आगे जाके जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो सारे का सारा सीन जो है वो अगेन लाहौर को ही रिफ्लेक्ट करेगा और वो लाहौर से ही बेस करता है। सो ये वो तमाम चीजें हैं जो यहाँ पे हमें अभी नजर आ रही। जी Bats begin to gather in the square. The stranger says that they are creepy. A word Chinggis. वो मतलब disgusting हैं. They are creepy. A word Chinggis finds delightful and highly American. Though he disagrees with using it describe the bats. So Chinggis यहाँ पर पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब जो है वो क्या करता है? Comparison करता है कि flying creature his name यानी कि जो bats हैं वो डिफरेंट इमिग्रेंट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हैं उनके रवैयों को जहार करते हैं। सो यहाँ पर एज अ चाइल्ड चंगेज फादर पॉइंटेड आउट लार्ज बैट लाइक क्रिएचर्स कॉल्ड फ्लाइंग फॉक्सेस, ये बड़ी बड़ी मतलब जो थी वो फ्लाइंग फॉक्सेस, चंगेज एसोसिएट्स देम विद द कंट्री साइड, तो वो कहता था कि शायद ये मतलब जो है वो देहातों के अंदर होती हैं, एंड वे ऑफ लाइफ दैट कैन एग्जिस्ट इन लार्ज सिटीज, और वो नहीं जी सकती बड़े शहरों के अंदर। इवन सो ही एडमिट्स बैट्स हैव सर्वाइव्ड इन द सिटी ऑफ लाहौर बाय बीइंग कनिंग एंड प्रीडेटरी, कि वो अपने आप को छुपा के रख लेती हैं, वो ढाल लेती हैं अपने आप को सूरत हाल के मुताबिक, इस तरह से वो सर्वाइव करेंगे। मच लाइक द स्ट्रेंजर एंड हिमसेल्फ ही नोज, बाय कंट्रास्ट स्मॉलर विंग क्रिएचर्स लाइक बटरफ्लाइज एंड फायरफ्लाइज और लार्ज विंग क्रिएचर्स लाइक फ्लाइंग फॉक्स डोंट सर्वाइव इन बिग सिटीज बिकॉज they fly into windows of large buildings, ke wo badi badi buildings mein ya to rehti hain ya fir wo jo hai wo windows mein apna matlab jo hai wo ghonsla wagaira bana ke rakhti hain, to yahan par jo hai wo bats ke hawale se baat ho rahi hai, existing environment jo ke gird maujood hai, Chinggis ka comparison apne aap ke hawale se aur fir isi tarah ke sath bat ke hawale se, ye disillusionment hai with the loyalty and cooperation ka, or it is adoption of the cunning and exercise on the strange on the stranger, the image of animals flying into large bonding also foreshadows 9/11, ke us waqt bhi matlab jo hain wo ye American they were just like animals,
जो पाकिस्तान में आ चुके थे और जिस तरह से ये फ्लाई कर रहे थे, इनके ड्रोन जिस तरह से यहाँ पे फ्लाई कर रहे थे और यहाँ के लोगों को मार रहे थे। जी चंगेज flies first class to Merila in the Philippines. He is feeling self-satisfied and feeling that will quickly disappear. He talks to the stranger. Chinggis asks the stranger if he has traveled to the east before. The stranger seems to acknowledge that he has, and Chinggis notes that the stranger is exceptionally well traveled. हाँ के stranger मतलब दुनिया के east. अब हम लोग जो हैं वो साउथ, हम साउथ में मौजूद हैं, ईस्ट में जापान है, फिलिपाइन है, ये वो इलाके हैं जो ईस्ट में शामिल हैं। सेंटर में आपको मतलब इस वक्त जो मिडल ईस्ट है वो आपको नजर आता है कि जो जिसको हम सेंटर में हम बात करते हैं। इस तरह से मतलब जो है वो मुख्तलिफ हिस्से हैं कि जिसको हम लोग इंगेज करते हैं कि ये वो हिस्सा है या ये इसके साथ एसोसिएटेड है। जी to the stranger that he is curious to learn more about the nature of his business. हाँ. But since the stranger seems more eager to hear the rest of Chinggis' story, Chinggis will ask him about it later. जी, तो stranger response suggests that वो comfortable है, Chinggis उसके इर्द-गिर्द मौजूद है. He apparent reluctant to tell Chinggis, वो अपने business के हवाले से नहीं बताना चाहता. वो अभी भी मतलब जो है वो अपने companion पर disturb करता है. That his business by definition is something that he wants and needs to be kept secret. के वो अभी भी अपनी उस जो काम के लिए यहाँ पे मौजूद है वो उसको secret रखना चाहता है, वो अभी उसको share नहीं कर रहा. जी Chinggis accepts Manila to be as run down as Lahore, but instead finds a city with both slums and skyscrapers. उसमें मतलब slums, लोअर स्टैंडर्ड्स, कचरा के ढेर वगैरह, उसका ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो थी वो मौजूद थी. वो उसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे लाहौर है वैसे ही होगा. He feels defeated and strangely jealous of the Philippines since it's a non-western country that nonetheless outstrips. ये बिल्कुल मतलब एक किनारे पर समंदर में या मतलब मौजूद है पाकिस्तान इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली. ये डेट नॉनथेस आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान को इसने जो है वो बिल्कुल मतलब जो है वो क्या किया हुआ है कि एक साइड पे ये लगा दिया है. ये पाकिस्तान इतना ज़्यादा मतलब जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं जैसा फिल पाइन था. बट दिस रीजन एडॉप्ट अ डिफरेंट मैनर इन मनीला. इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अपॉन अप हिज पाकिस्तानी रूट्स, ही एक्ट्स एज अमेरिकन एज पॉसिबल. वो मतलब वहाँ पे बताता है कि वो पाकिस्तानी है, चूँकि यहाँ पे जो एक सेंस ऑफ यू कैन से इंप्योरिटी है वो अपने आप को छुपा रहा है. सो अपने अमेरिकन को फॉरेनर शो करने के लिए, अमेरिकन शो करने के लिए कि वो दो दुनियाओं के दरमियान कैसे रह रहा था और वो दोनों से बेनिफिट ले रहा था. जब वो पाकिस्तान, जब वो अमेरिका में था अमेरिका के साथ, उस वक्त वो बिहेव कर रहा था कि तो पाकिस्तानी के तौर पर उसके ड्रेसेस वगैरह. लेकिन दूसरे नंबर पर जिस वक्त वो फिलिपाइन में आता है, जब वो कंपनी वैल्यूएशन के लिए आता है, तो उस वक्त जो है वो एग्जैक्टली उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है. बट अ बेनिफिट बट आल्सो मींस ही डजंट नेसेसिटी हैव अ सॉलिड सेंस ऑफ हु इज. लेकिन उसके अंदर ये मतलब सेंस उस तरह से मौजूद नहीं थी कि मतलब कि वो क्या है सॉलिड सेंस ही हैव अ कि उसकी असल शनाख्त क्या है. व्हेन ही इज बीइंग अमेरिकन Chinggis, when he is being American, Chinggis adopts the American behavior that he previously citizens in Princeton peers. के जैसे वो Princeton peers के अंदर जो था वो अपने रवैये को मतलब जो है वो लोगों को दिखाया करता था. So more or less हम लोग यहाँ पे Chinggis के रवैये को भी मतलब जो है वो देख पा रहे हैं कि वो किस तरह से दोनों life से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है. जी Pelarago businessmen seem to respect Americans almost immediately. And Chinggis wants to be respected too. He becomes less polite. वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं. वो चाहता है कि चूंकि उसका एक्सेंट भी अमेरिकन जैसा था. He becomes less polite and more insistent. वो less polite नजर आता है, more insistent नजर आता है. Even when dealing with older businessmen, जब वो older businessmen को deal कर रहा है and begins न्यूयॉर्क नॉट पाकिस्तान, और वो कहता है कि वो तो न्यूयॉर्क से पाकिस्तान से नहीं है. द स्ट्रेंजर सीम्स टू आस्क चिंगेज इफ हिज चेंज बिहेवियर मेड हिम फील गिल्टी. उसके चेंज रवैये ने क्या उसको गिल्टी किया कि मतलब तुम अपनी शनाख्त छुपा रहे थे. चिंगेज एडमिट्स दैट इट डिड बट ही कैप्ट ही सीम्स टू हिमसेल्फ. इन द मीन टाइम ही कंटिन्यू टू
rack up impressive reviews. So, यहाँ पे जो अपडेट हमें मतलब जो हमें नजर आ रहा है वी आर ऑब्जर्विंग कि जो स्ट्रेंजर है वो उससे पूछता है क्या तुम्हें अपने रवैये से कोई फायदा हुआ. कुछ एंगेज एडमिट करता है इसने वाकई में फायदा दिया क्योंकि वो असर्टिव रहना चाहता था बट ही कैप्ट हिज शेम टू हिमसेल्फ कि वो अपनी शनाख्त छुपा गया. इन द मेन टाइम ही कंटिन्यू टू रैक अप इंप्रेसिव रिव्यूज फ्रॉम हिज कलीग्स. लेकिन वो अपने कलीग से मतलब उसको रिव्यूज जो थे वो बड़े जबरदस्त मिल रहे थे कि द वे यू आर डीलिंग विद द क्लाइंट के तुम किस तरह से मतलब गए हो. इसी तरह से चंगेज अब अमेरिकन बिहेव कर रहा है तो वो इम्पर्टिनेंट बिहेवियर वो बिल्कुल वैसे ही मतलब दिखा रहा है जैसे कि वो दिखाया करते थे इन हिज प्रिंसटन बियर्स. और चंगेज जो है वो स्ट्रेंजर जो है वो इससे राइटली पूछता है कि क्या ये मतलब जो था वो his renewed investment in Chingiz's life ki kya ye Underwood Samson ki jo investment thi ke jo tumhare upar kya ye usi baat ka natija tha ki tum wahan pe maujood the. Baharal ye different questions hain jo wahan pe kar raha tha ke Chingiz ki life ko zyada behtar tarike se understand kar sake. Ji, the music business Underwood Samson has come to Manila to evaluate is run by a famous colorful musician who in spite of his hippie they were claimed to have become largely successful. Acha ab yahan matlab jo hai jo music business Underwood Samson has come to Manila to evaluate is run by a famous colorful musician who in spite of hippie demeanor ke jo matlab jo hai wo wahan par हमें जो है वो नजर आता है कि वो एक बड़ा मतलब बड़ा नाम था वहां पर एक बहुत बड़ा मतलब शख्स था लेकिन किस अंदाज के साथ यानी कि जो एस्टेब्लिश कल्चर को जो है वो रिजेक्ट करता है जिस तरह से वो हमें मतलब जो है वो नजर आता है क्लेम्स टू हैव बिकम ह्यूजली सक्सेसफुल. उसने एक बिल्कुल आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि उसने एक बिल्कुल नए ट्रेंड के ऊपर नए जो है वो सिचुएशन में बिहेवियर के साथ उसने इसको एडजस्ट किया था. लेकिन इसके बावजूद हम लोग ये देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था लेकिन वो फिर भी वो अपनी उस फॉर्म की उस अपनी एवेलुएट करवाना चाहता था. चंगेज एंड हिज कलीग्स एट वर्क measuring the profitability of the company. कि ये बिल्कुल वही है कि जो audit firm कर रही होती है कि बता रही होती है कि तुम्हारा profit ये है loss ये चल रहा है. तो Chingiz visits the music business factories and stores and feels immensely powerful by deciding how much the company is worth. He is deciding who will be fired and who will stay. साथ में वो ये भी बताता है कि किसको तुम नौकरी पर रखना है कौन तुम्हारे ऊपर बोझ है कौन बोझ नहीं है इस हिस्से को मतलब ये इसी चीज का मतलब जो थे वो पैसे भी ले रहे थे. तो यहाँ पे म्यूजिक कंपनी जो है वो और जो खास तौर पर जो प्रेसिडेंट था म्यूजिक कंपनी का वो खुद एक अच्छा म्यूजिशियन भी था तो वो एक मतलब जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन बन चुका है और उसका ये कैपिटलिज्म का एनॉर्मस इन्फ्लुएंस भी नजर आ रहा है कि जिसके पास पैसा है वो. और फिर वहाँ पे हमेशा जरूरत उसी बंदे की होती है जो आपकी कंपनी को फायदा दे रहा है. उस बंदे की वहाँ पे जरूरत नहीं होती जिससे फायदा नहीं मिलता. तो इस तरह से आप जो है वो एक तरह से इस चीज को मतलब जो है वो एंगेज भी करते हैं. तो इस तरह से हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि चंगेज जो है वो वहां पर अब एक पावरफुल मतलब जो है वो वैल्यूएटर की हैसियत से है. वो चूंकि टीम लीड भी कर रहा था और हम उसकी एक अच्छी प्रेज भी वहां अपने कलीग्स में हमें नजर आ रही. तो एक दिन लेमोजिन में चंगेज नोटिस करता है अजीपनी ड्राइवर स्टेयरिंग एट हिम एंगली फ्रॉम आउटसाइड द कार. चंगेज इज अनश्योर व्हाई द मैन सीम्स सो फ्यूरियस. इट कुड बी पर्सनल इट कुड बी बिकॉज़ ही इज जेलस ऑफ चंगेज सूट एंड लेमोजिन.
It could be that he hates America. After the staring match is over, Chinggis looks at his blonde Underwood Samson Lee and is struck by their foreignness. He feels suddenly closer to the driver than his colleagues. ये एक तरह से सेंस मतलब जो है वो मौजूद है उसके अंदर कि वो जो उसके हवाले से मतलब वो डिफरेंट अपने आप को Chinggis is so preoccupied with this incident that he finds it difficult to sleep that night. Nevertheless, he is so busy with work that in days after doesn't stay up at night thinking about any further. वो उसके हवाले से मतलब नहीं सोच सका लेकिन बहरहाल उस वक्त ही अपसेट हो जाता है और वो उस वक्त अपने आप को अमेरिकन्स के साथ एसोसिएट नहीं कर पाता बल्कि वो अपने आप को एसोसिएट करता है जो है वो किन के साथ वो जो लोग थे जो फिलिपाइनीज थे जो वो ड्राइवर था वो उन लोगों के साथ जो है वो अपने आप को एसोसिएट करता है तो इसके हवाले से Chinggis अपने जेन में तीन पॉसिबल रीजन सोचता है कि ड्राइवर जो है वो क्यों गुस्सा था व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग इन दिस पॉसिबल रीजन वो लिस्ट नहीं कर पाता ड्राइवर जो है वो शायद Chinggis पर गुस्सा था एक वेस्टर्नर जो है has sold out and begun working for a western company ke jo apna bech chuka hai western company ko shayad uske liye jo zyada gussa tha Chinggis become less aware as he becomes more and more powerful ke jab matlab jo hai wo jitni zyada usko taakat aa rahi hai usko ye andaaza hi nahi ho raha ki wo kya kho raha hai lekin iska jo encounter tha with a driver makes him feel uncomfortable around his american colleagues to wo matlab jo hai usko uncomfortable kar deta hai और वो उसकी जो कोशिश के वो टू बिकम अमेरिकन ही स्टिल आइडेंटिफाइज विद नॉन अमेरिकन कि वो अपने आप को अभी भी नॉन अमेरिकन के साथ आइडेंटिफाई करता इस दौरान Chinggis यहाँ पर है और Chinggis रिसीव्स मेनी ईमेल्स फ्रॉम अमेरिका ड्यूरिंग हिज टाइम इन मरेला द मैसेजेस व्हेन Chinggis ट्रायर्स एंड लुक्स फॉरवर्ड टू आर यूजुअली शॉर्ट एंड सक्सिनेक्ट इन वन ऑफ दीज मैसेजेस Erica mentions the beauty of tide pools, which seem to be frozen in time. ये मतलब quite you can say जो line है कि इस पर का जो tide pools हैं अब ये एक तरह से उस मोहब्बत का भी इजहार हो सकता है जो Erica मतलब वो करती थी अभी seems to be frozen और जो ये बहुत जल्द खुश्क हो जाएंगे क्यों क्योंकि वो अब वो भी कोई to be or not to be वाली position में चली गई थी So Chinggis receives many emails from America during his time in Manila. So यहाँ पर जो है वो ज़्यादा detail message आ रहा होता था हद तक message बहुत short होता, बहुत limited और precise message जो है वो. While it may seem odd to drive so much player from such a simple note, Chinggis admits to the stranger his upbringing in Lahore, during which he was often forbidden to see his girlfriends for long, has trained him to enjoy the denial of. कॉन्टैक्ट कि वो समझता था कि मेरा मतलब खास गहरा लंबा चौड़ा कॉन्टैक्ट नहीं है बार एरिका का जो ऑब्सेशन है टाइट पूल्स के साथ ये उस रिलक्टेंट टू मूव ऑन क्विकली फ्रॉम फेस दैट तो Chinggis एंजॉय करता है एरिका की ईमेल्स को के उसके ऊपर अभी भी पाकिस्तानी जो इंफ्लुएंस था वो बहुत ही ज्यादा था लेकिन इसके बावजूद वो अमेरिकन बिजनेसमैन में वो था आज भी मतलब जो उसके अंदर जो पाकिस्तानी अपब्रिंगिंग थी वो पूरी तरह से फोकस थी तो अब अगर बिल पर हम लोग इस सारी सिचुएशन को कैरी भी करें तो हमें ये अंदाजा हो जाता है कि ये सिचुएशन किस तरफ को मूव ऑन करती है वो कैसे मतलब जो है वो आगे फीड करता है इन तमाम चीज़ों को कौन सी चीज़ें जो हम आगे उसको टेक ऑन करके लेके जाए तो आज के सेशन में हम लोग यही तक बात करेंगे नेक्स्ट सेशन से यहाँ से